जिठानियों आवे तो हम तो यही सोचे पता ना क्या हो नक्कसता बीजन को कहा कहा दियो आलू अपहरण करके जो आलिए गए रात को 2 बजे क्या चाहते हमने न्याय चाहिए हम क्या चाहिए ये 8 बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे कितने बच्चे 8 कैथवाड़ा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर बता दें आपको। साहुन पुत्र फिरोजा 57 वर्षीय निवासी नीमला का रहने वाला और 4-5 लोगों ने मिलकर 37 वर्षीय 8 बच्चों की मां का अपहरण कर फरार हो गए। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि हमने पंचायत करी, पंचायत में हमें साहुन का परिवार आश्वासन देता रहा कि आपकी पत्नी को हम आपके हवाले कर देंगे, आप पुलिस थाने में रिपोर्ट ना लिखाएं, लेकिन आखिरकार पंचायत से हमको निराशा ही प्राप्त हुई। फिर हमने कैथवाड़ा थाना जाकर तहरीर दी। पीड़ित पति का कहना है कि मैं रोजी रोटी के लिए सूरत में काम करता हूं, पीछे से मेरी पत्नी को साहुन पुत्र फिरोजा निवासी नीमला रात के वक्त में अपहरण कर ले गया और अभी तक मेरी पत्नी का कुछ नहीं पता है कि वह जिंदा भी है या उसको साहुन ने मार दिया है। मेरे 8 बच्चों का क्या होगा, इनको कौन पालेगा, इनकी कौन परवरिश करेगा, कौन इनका खाना बनाएगा, कौन इनको खाना खिलाएगा। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है, छोटे छोटे बच्चे माँ को बार बार पुकारते हुए रोते हैं। वहीं पीड़ित पति का कहना है कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो 8 बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूँगा। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि साहुन एक दबंग किस्म का ओलेक्सबाज आदमी है, वह ऑनलाइन ठगी फ्रॉडबाजी करता है। अब सवाल यह बनता है कि क्या कानून पीड़ित पति की पत्नी को साहुन से दिला पाएगा या फिर पीड़ित पति को कानून से भी पंचायत की तरह निराशा हाथ लगेगी। क्या कानून साहुन को गिरफ्तार कर जेल भेज पाएगा या फिर केस यूं ही फाइलों में दबा रह जाएगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सूरत से आया, सूरत से आने के बाद में पता लगी बच्चा ने कही अब्बा हमने फ़ोन उठाया, फ़ोन उठाने के बाद में हम तुम्हारी मम्मी ने कही तुमने मेरी जान से मार दूंगी और पहले बताई तो और मैं मजदूरी करूँ, मैं बालक ने पालू, वहाँ पर टटलू को काम है, ओलेक्स को काम है, नकली नोटन को भी काम है। मेरे लिए छोरा है साहुन नाम है और वहाँ ने नक्कर बोली ताबीज देखी अपने कर रखे हो और 12 तारीख लो मेरा आने के बाद में रफ चक्कर होगा, लेकिन रात के 12 बजे 2 बजे वो कुछ पटना सो जाऊँगा के बाद में कहा हो कहा नहीं। अब कोई पंचायत वगैरह हुई, पंचायत वगैरह हुई तो पंचन ने 23 तारीख मांगी, 23 तारीख के बाद में उन्हें पंचन ने दिखाई भड़ाई कर दी, नहीं दिखाई भड़ाई करने के बाद पंचन लेकिन थाने पहुँचे, थाना में मैंने रिपोर्ट करी, रिपोर्ट करने के बाद में भाई तफ्तीश लगाई पुलिस और आगे घर गई। पहले आपको कोई शक सुबह हुआ, कोई शक सुबह ना हो, शक सुबह हुए हो मोह तो बच्चा सो गए, बच्चा ने हम सुनो कहीं मोह गए अब हम तो लोग कह रही मम्मी हमारी माँ दिन तुम नाड़ भेज के रहेगा तुमने अपना बालू बताई, एक छोटा वाला लड़का वहाँ ने मुझे बताई। क्या चाहते हो, मेरी पत्नी मेरे को मिल जाए, ये चाहता हूँ मैं अपने बच्चों को रोटी बना कर दूँ या कमा कर ला कर दूँ। कितने बच्चे? 8 बच्चे। क्या नाम आपका? अकबरुद्दीन। गाँव जोड़िए प्रार्थना है भाई मेरे औरत मिल जाए और जाओ पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन से भी यही बोली मैंने और आपसे भी बोल रहा हूँ पत्रकार, मेरी पत्नी मिल जाए, मैं खाने कमाने चलाऊँ, मेरे बच्चा भी रोटी खाने की। उसका परिवार क्या कहता है? जैसे उसका परिवार तो धमकी देता है कि तुम्हारे को मार दूंगा, गोली मार दूंगा अगर तुम यहाँ आ गया तो, और तुम्हारे को कुछ बिगाड़ेगी क्या मेरा, मैं पैसा वाला हूँ, मैं ज़बरदस्ती रख लूँगा, पुलिस क्या कर लेगी मेरी, पुलिस को धमकी दे दूंगा मैं तो पैसा भर दूंगा पुलिस में। सब हमें हमारे भतीजे हुई फकरू गरीब आदमी और भाई ऐसे ऐसे यार मतलब हाजी फिरोजा का लड़का भतीजा है फकरू और हाजी फिरोजा का लड़का है साहून, इन्होंने अपना नक्श गोली दे कर नहीं अपने कब्जा में कर लिया औरत, और जब मतलब कोई भी टाइम मतलब 2 बजे 12 बजे के बीच बीच सब मतलब कदर में लेकर चला गया और पंचायत जोड़े फिर धमकी दिए पंचायत में मतलब इन्हें 23 तारीख मांगी, 23 तारीख को पूरे गांव की बस्ती को पंचन की दिखाई बढ़ाई कर दी, अब तो मैं कर लूँ जो कुछ कर लीजिए मेरे कब्जा में है, पुलिस भी क्या करेगी मेरा। अब क्या चाहते हो? अब ऐसा हम लोग भाई साहब यही है कि हमारे प्रशासन मतलब हमारी मदद करे, बच्चा 8 बच्चा है परेशान है और मतलब रोज एक रहा रोटी तो परेशान है। हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी मैं आ रहा हूँ और बुढ़िया कमजोर है और मेरा बच्चा जो है लड़का वो रहे वो हमारे वहाँ में सूरत में वो अपने मेहनत मजदूरी करे, 8 बच्चे पालना मुश्किल हैं और जो फिरोजा का लड़का है
वो नक्श ताबीज देकर के है, और जो इसकी लड़का की मेरा और लड़का की जो औरत है उसको अपना लेनी है, और साहून नाम को है, और जो बहरमानी हमारी साहून ये है, और हमने पंचायत जोड़ी पंचायत में यूँ कही हम 21 तारीख को ला दें 18 तारीख को ला देंगे, 18 तारीख भी छोड़ गए, फिर उन्होंने 23 तारीख मांगी, 23 तारीख में ये योग हमने शाम को पंचायत जोड़ी शाम को नहाया, फिर करी धेरे पंचायत जोड़ी धेरे नहाया, कभी बम्बई बोले कभी दिल्ली बोले कभी कोसी में बोले, आखिर वहाँ को भाई हो जो वो हमने बुला लियो कि भाई तू जिम्मेदार आदमी है, अपने भतीजा बुला, तो भतीजा ने यू वह काका ने वाका ने यूँ कही कि भाई मैं वहाँ से बोला चलना है, पंचन ने यूँ कही तू बोले खूब तेरे भाई को छोड़ो है बड़े बड़े भाई को और तार एक कुनबा है, तो वहाँ ने यूँ कही कि मैं अब तो मुझे कोई जवाब ना है, मैं शाम को मैं दो आदमी अपना कुनबा इकट्ठा करके और मैं अपने घर जाके उन्हें बूझूंगा क्या कहें क्या ना कहें, उनने कुनबा जोड़ो है जोड़ के नहीं यानी झूठ बोली या सच बोली या क्या बात ना क्या ना है, तो वाने यू कहे भाई मोल तो वाने दिखा दियो कि जो कुछ हो बिरादरी पे और थानेदार पे वह जो तू है वह हमारी बिरादरी महिल मेरे महिल कर दे बिरादरी, और थानेदार मेरे श्रोक करेगो कहा थानेदार तो मेरे 10,000 को खेल है 10,000 जेब में पटका और मैंने अब थानेदार अपने बनाया ठीक है क्या चाहते हो, बिरादरी बोली कि भाई तू थानेदार बना लेगो और बिरादरी लोग चाहिए दिखा दियो भाई, अब ये बच्चा जो है 8 इनकी गेर कैसे लगे लोग इनकी ने गेर दो कुआ में और कुआ में गेर के इन पे ऊपर पत्थर छोड़ दो सब खत्म हो जाएगा, और पुलिस मुरैना पुलिस पुलिस को कहा के हैं आदमी हूँ बहुत निहत अदना हूँ मेरी अरे सुन लीजिए थानेदार साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, एक वो है घगवाड़ी गांव है घगवाड़ी गांव के जंगल में जाकर के वो ने वो काम करवाए वहाँ पे लड़की पकड़ी है, हाँ डा और हमारे भी चार वाक्य कर चुके है, मेरा भाई ने समन ने यू कही कि भाई हम पे लड़नो बस को तो या है ना ये रुपया को धनी है और थानेदार यू मार लिएगो और भाई ऐसे भी सही कान पे यू कह रहा होगा ऐसे मेरे जेब को लड्डू है, तो वाको इतनी बड़े बड़े घमंड है तो मेरे कुल वो क्या कर सके आखो मेरे कुल वो बेचारो ऐसो है महाजन आदमी है मेरे को बहुत अपने कमा के खा रहो गरीब आदमी, हम सब हम जितना भी हमारे भाई हैं सब गरीब आदमी हैं, और भाई वहाँ पे आप तो है वहाँ को धंधा को लकड़ा काम जयपुर वहाँ की गाड़ी चला गाड़ी भरे और दोबारा वहाँ का जो चार भतीजा है वो ओलेस काटे अब भी 40 लाख के ओलेस काट के बैठो है, बताओ वहाँ को क्या करेगा हुकूमत और हम कुछ नहीं कर सके, और पहले भी टटलू आने जब टटलू को जमाना चलो सुन्ना की ईंट बना बना के वहाँ 50 बेच चुको 32-35 बीघा खेत यही तरीका से खरीद लेने कूट को जोता ना हो गाँव में, उम्मीद है कि मेरी जो जल्दी जल्दी नाव कर जाए, और मेरा जो बच्चा है बहुत ज्यादा परेशान है और नहीं तो मैं जहर खा के मर जाऊं बच्चा ने लेके मेरा जल्दी जल्दी नाव कर दिया जाए, साउंड पिरोजा को जो है मेरा घर खत्म कर दियो है, और मैं बहुत गरीब आदमी हूँ मेरी अर्जी सुन ली जाए, शादी ब्याह के लिए हर कोई सोचता है कि मैं सामान कहाँ से खरीदूं जो अच्छा भी हो और सस्ता भी हो, तो हम आपको बताते चले कि अगर आप सस्ते दामों में अच्छा सामान खरीदना चाहते हैं तो रियाज फर्नीचर सीकरी से खरीदें, हर सामान की गारंटी मिलेगी, आप एक ही दुकान से पूरा सामान खरीद सकते हैं जैसे बेड अलमारी कूलर फ्रीज वॉशिंग मशीन सोफा सेट शादी का पूरा सामान, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क।